हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चंस जो कि थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए भी और शुरुआत के अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहाँ तक हम उसका एक्सप्रेशन बना सकेंगे बिफोर द सॉल्विंग। क्योंकि एक्सप्रेशन या तो इक्वेशन जो भी हमें बनना है, वो अगर नहीं प्रॉपरली बनेगा तो आप प्रॉपरली उसका वैल्यूएशन या तो वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो आपको उसमें आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये है क्वेश्चन। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, आई गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, द गेन परसेंटेज इज। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ। ओके, दिस इज द वन कंडीशन, आई गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। गेन, यहाँ पे गेन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया आपका प्रॉफिट। ओके, तो ये सेल होने के बाद जो प्रॉफिट मिला वो लगभग 11 मीटर्स के सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट है, इसका ये मीनिंग हो गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पर मीटर मतलब 1 मीटर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 भी मीटर दिया है, 33 भी मीटर दिया है, मगर हमें कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है सेलिंग प्राइस या तो परचेस कॉस्ट जो भी है या तो प्रॉफिट है, हमें परसेंटेज में भी दिया नहीं और कुछ भी वैल्यूएशन दिया नहीं, हमें सिर्फ उसका क्लॉथ्स का टोटल लेंथ दिया हुआ है और उसी लेंथ के ऊपर कंपैरिजन किया हुआ है। ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि यहाँ पे क्या किस टर्म्स में दिया हुआ है। यहाँ पे 33 मीटर क्लॉथ है, गेन है वो भी 11 मीटर सेलिंग प्राइस के ऊपर, दोनों जगह सेलिंग प्राइस है मेंशन। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूम एक्स इज द वैल्यू ऑफ 1 मीटर। ओके, ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। ओके, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है ये, सो ब्रैकेट में लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस। ओके, ऑफ 1 मीटर। ओके, तो 33 मीटर की क्या होगी, फॉर 33 मीटर इज 33x। ओके, वैसे ही 11 मीटर के लिए हो गई, 11 मीटर के लिए 11x ये हो गए। ओके, तो चलिए अभी हम देखेंगे सेलिंग प्राइस, चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एसपी ऑफ 33 मीटर इज इक्वल टू सीपी, हमें कुछ भी दिया नहीं है तो हम एज इट इज सीपी लिखेंगे, उसमें कुछ एक्स वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, जो है कॉस्ट टू परचेज प्लस प्रॉफिट। अभी यहाँ पे एसपी जो है 33x आ रहा है, हमने अज्यूम किया उसी हिसाब से, सीपी हमें पता नहीं, एज इट इज लिखेंगे प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट किस टर्म्स में दिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर के इक्विवेलेंट गेन में है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 11x, इसके इक्विवेलेंट प्रॉफिट दिया हुआ है बिकॉज गेन यहाँ पे लिखा है, इसलिए तो यहाँ पे पॉजिटिव है, एडिशन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो सीपी इज इक्वल्स टू 22x, ये आ गया अपना सीपी का रेशियो। ओके, मतलब अगर प्रॉफिट अगर 11x है तो सीपी है 22x, और हमें पूछा है गेन परसेंटेज। अभी गेन परसेंटेज क्या है, तो गेन परसेंटेज ये होगा प्रॉफिट से सीपी। प्रॉफिट हमें पता है 11x है और सीपी हमने अभी निकाला 22, एक्सेस गेट कैंसिल, 11 वन दा और 11 टू दा 22, ये हो गया गेन का परसेंटेज, और सॉरी गेन रेशियो। अभी हमें परसेंटेज निकालना है ना, तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू ये जो रेशियो आ गया है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया आपका 50%, तो इसका मेन है 50% ऑफ द गेनिंग। ओके, थैंक यू।